क्या आप अपने बिजनेस में आने वाली लगातार समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है और बार बार उसमें भी रुकावट पैदा हो रही है, इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं कुछ ऐसे ज्योतिषी कारगर उपाय आपको बताऊंगा जिसे करके आप बिजनेस में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर सकेंगे और सफलता आपका कदम चूमने लगेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर एस सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। हर व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता है ताकि उसे जिंदगी में सफलता प्राप्त हो सके। वहीं अगर आप व्यापार के लिहाज से बात करते हैं तो व्यापार में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी अनेकों प्रकार की समस्याएं एवं उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जो व्यक्ति समझ नहीं पाता और अनेकों प्रकार से यत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती, तब वह हताश और निराश होने लगता है और उस निराशा में कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं कि व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि किसी भी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं है, उसके कारण को ढूंढना जरूरी है। व्यापार में तेजी मंदी के भी कारण होते हैं, उतार चढ़ाव के कारण होते हैं और खुद व्यक्ति की जिंदगी में उसकी जन्म कुंडली, उसके ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर ये पता चल सकता है कि इस समय आपके व्यापार में आपको लाभ होगा या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ग्रहों के कारण आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें संभाल करके चलें, उनकी स्थिति को देख करके चलें तो कभी भी जिंदगी में नुकसान उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, व्यापार के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि सबसे पहले कि आप व्यापार कौन सा कर रहे हैं। जैसे सोने चांदी का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए शुक्र कारक ग्रह है, गुरु कारक ग्रह है। कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो गुरु कारक ग्रह है। स्टेशनरी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बुध कारक ग्रह है। लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, वाहन का व्यापार कर रहे हैं तो शनि उसका कारक ग्रह है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तंबाकू का व्यापार कर रहे हैं, सिगरेट का व्यापार कर रहे हैं तो उसका राहु उसका कारक होता है। इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं वह अपने अपने कारक होते हैं अपने अपने व्यापार के। जैसे आप आईटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी शुक्र देखा जाता है, बुध देखा जाता है और गुरु भी देखा जाता है। हार्डवेयर से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित कारोबार कर रहे हैं तो शनि देखा जाता है, राहु देखा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो राहु और शनि देखा जाता है। भूमि और भवन से संबंधित कारोबार है, बिजनेस है आपका तो मंगल देखा जाता है। पानी से रिलेटेड या दूध से संबंधित कारोबार है तो चंद्रमा को देखा जाता है। तो दशम भाव से किस ग्रह का संबंध है और आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, सप्तम भाव से भी कारोबार को देखा जाता है और दशम भाव से भी देखा जाता है उसका मालिक कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ है। किसी क्रूर ग्रह के साथ होगा तो व्यापार में रुकावट पैदा करता है। कहीं अन्यत्र बैठ गया होगा, जैसे छठे आठवें बारहवें में बैठ गया होगा तो कारोबार में रुक रुक करके सफलता दिलाता है, जब गोचर में वो अच्छे घर में पहुंचता है। इसी तरह से अनेकों प्रकार से रुकावटें जो पैदा होती हैं उसके अलग अलग कारक ग्रह होते हैं और ग्रहों की युति भी आपको परेशान करके रखती है, ग्रहों की दृष्टि भी परेशान करती है। तो इसके लिए विश्लेषण जरूरी है जन्म कुंडली का। हमने आपको बताया कि इन ग्रहों के कारण रुकावट पैदा होती है। वहीं अगर यही ग्रह अच्छे बैठ गए, राहु मिथुन का दशम में बैठ गया, कन्या का दशम में बैठ गया तो व्यापार में अपार सफलता दिलाता है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया तो अपार सफलता दिलाता है। गुरु उच्च का बैठा हुआ है, मंगल उच्च का बैठ गया मेष राशि का, गुरु कर्क राशि का उच्च का बैठ गया तो व्यापार में आकूत धन दौलत आदमी कमाता है। फिर उसका भाग्य भी उसका साथ देता है क्योंकि एक ग्रह अगर आपको सपोर्ट करने लगता है तो सभी ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से सफलता के लिए भी जो ग्रह होते हैं कारक, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, उनके प्रतिकूल प्रभावों को अपने अनुकूल बना करके फिर बिजनेस में सफलता पाई जाती है। अब मैं आपको बिजनेस में सफलता पाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ जिसे करके
आप बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान में किसी भी शुभ मुहूर्त पर, पुष्य नक्षत्र हो, दशहरे का दिन हो, दिवाली का दिन हो, ऐसे मुहूर्त पर आप स्वास्तिक का निशान बनाएं सिंदूर और घी से, किसी प्लेन व्हाइट कपड़े पर बनाएं या किसी भी चांदी के पत्रे पर बनाएं, तांबे के पत्रे पर बनाएं, स्वर्ण पत्र पर बनाएं या भोज पत्र पर बनाएं, बना करके उसको फ्रेम कर लें और इस स्वस्तिक की लंबाई चौड़ाई जो होती है 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास की होनी चाहिए और इस स्वस्तिक को सिंदूर और घी से मिला करके बनाने के बाद फ्रेम करवाइए। उस फ्रेम को व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसे लगाइए जहाँ की कोई भी व्यक्ति आता हो तो उसकी नजर पड़े, एकदम सामने होना चाहिए, मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने। या कोई अगर आपकी ऑफिस है, आप ऑफिस चलाते हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, एक रूम में बैठ के, केबिन में बैठ करके, तो आप अपने पीछे लगाएं ताकि सामने बैठने वाला आदमी उस पर देख सके या उसकी दृष्टि पूरी उस व्यक्ति पर पड़ सके। तो इस प्रभाव से आने वाला व्यक्ति जो आपके पास है वो कभी भी आपके प्रति, उसके मन में कभी भी गलत भाव नहीं आएगा, वो आपके साथ व्यापारिक समझौता करेगा और आपके व्यापार में लेन देन अच्छा करेगा, वो कभी भी आपका पैसा रोकेगा नहीं। इस तरह से आपके व्यापार में सफलता मिलती चली जाएगी। दूसरी बात है कि जिस भी साजो सामान का आप कारोबार करते हैं, जिस विशेष किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, उस वस्तु से रिलेटेड ग्रह की उपासना करनी चाहिए, उस वस्तु से रिलेटेड ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उसका अनुष्ठान करवाना चाहिए, उससे रिलेटेड रत्न धारण करना चाहिए। जैसे आप लोहे का कारोबार कर रहे हैं, लोहे के कारोबार में वही व्यक्ति एंट्री करता है जिसका शनि प्रबल होता है, तो अब शनि प्रबल है, उसको और मजबूत बनाने के लिए और अच्छा तरीके से कारोबार को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने दाहिने हाथ में बीच की उंगली में नीलम रत्न धारण करे। वह नीलम रत्न कम से कम उसके वजन का दशमांश होना चाहिए और शनि के नक्षत्र में बनवा करके उसे शनिवार के दिन ही धारण करना चाहिए विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद। अगर सोने चांदी का व्यापार कर रहा है व्यक्ति, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उसे शुक्र का रत्न हीरा धारण करना चाहिए या गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। उसमें भी ये देखा जाना चाहिए कि आपके भाग्य का मालिक कौन सा ग्रह है, वो कहाँ बैठा है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे। अगर भाग्य का मालिक अच्छे घर में पड़ा हुआ है तो आदमी कमा करके, अच्छी दौलत कमा करके खजाना भरता है अपने घर का। तो इस तरह से रत्न विशेष से सहायता लेकर के आप अपने व्यापार में तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य अपने व्यापारिक स्थान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में श्री सूक्त का पाठ किया करें, स्वयं मालिक करें या किसी ब्राह्मण विशेष को बुलवा करके रोज श्री सूक्त का पाठ करवाया करें। इससे आपको व्यापारिक प्रतिष्ठान में अत्यधिक तरक्की मिलेगी। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में सफलता मिलती है, नकारात्मक जो बाधाएं होती हैं वो टलती हैं और व्यापार में अच्छी तरक्की होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय और मैं बता देता हूं कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते समय कस्टमर नाराज होकर जा रहे हैं या व्यापारी नाराज होकर के जा रहे हैं या जो भी हो, आपका होलसेल कारोबार है, रिटेल कारोबार है, ऐसे में गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर के धारण करने से व्यक्तियों के साथ संबंध बराबर परस्पर अच्छे बनते हैं और व्यापारी आपसे कभी नाराज नहीं होगा, ग्राहक कभी नाराज नहीं होगा और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती जाएगी। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यापार को कर रहे हैं उसमें सफलता अगर नहीं मिल रही है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपनी किसी भी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।